कीजिएगा। आज परिंदा मार्केट में कौन कौन से नायाब नस्ल के परिंदे लाए गए हैं। देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर लियाकताबाद की जो है वो परिंदों की मार्केट है, जिसके मुल्क भर से मुख्तलिफ अकसाम के नायाब और बेशकीमती परिंदे जो है यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए लाए गए हैं, जिसमें शाहीन उकाब समेत ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, साथ ही साथ जो है कॉकटेल हैं, इसके अलावा दीगर जो ऐसे तोते हैं जो घर में तज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग जो है अपना शौक़ पूरा करने के लिए उन परिंदों को पालते हैं और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इनको जो है बतौर कारोबार इस्तेमाल करते हैं और इनको खरीदो फरोख्त जो है इनकी बड़ी पैमाने पर की जाती है। साथ ही साथ जो है सिर्फ कराची से नहीं, अंदरून सिंध और अंदरून पंजाब से भी जो है नायाब नस्ल के तोते जो है यहाँ पर लाए जाते हैं और फरोख्त किए जाते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान समेत मुल्क बैरून मुल्क के जो नायाब नस्ल के तोते हैं वो भी जो है यहाँ पर फरोख्त के लिए आते हैं, लोग उनको खरीदते हैं और उनको अपने घर की जीनत बनाते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग इस तरह के भी यहाँ पर देखने में आते हैं जो कि बाकायदा तौर पर इन परिंदों से जो है अपना कारोबार करते हैं और अपना घर चलाते हैं। बड़ी तादाद के अंदर जो है इस वक्त लोग लियाकताबाद की इस मार्केट के अंदर मौजूद है जो कि मुख्तलिफ अकसाम के तोते अपने अपनी हैसियत और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है उनकी खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी जानब अगर हम देखें तो मछलियों की तरफ भी जो है आवाम का खासा रुझान देखने में आता है। लोग अपने घर के अंदर एक्वेरियम सजाते हैं और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ अकसाम की मछलियां भी पालते हैं। इसी हवाले से जो यहाँ पे मौजूद है उनकी दुकानों पर भी जो है वो खासा रश देखने में आ रहा है, लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, खासतौर पर बच्चे जो हैं मछलियों के ज्यादा शौकीन नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पसंद की मछलियाँ भी खरीद रहे हैं। इसके अलावा तोतों की जो है दीगर देखभाल के हवाले से यहाँ पर मेडिकल शॉप्स भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ परिंदों को अगर किसी किस्म की कोई बीमारी हो तो उस हवाले से भी जो है वो यहाँ पर मौजूद लोगों को गाइडेंस फराम कर रहे हैं और अद्वियात जो है वो यहाँ पर फरोख कर रहे हैं। इसी तरह से जो है मछलियों को किस तरह से केयर करनी है, उनको किस तरह से पालना है, उस हवाले से भी जो है मेडिकल एड के तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और खासतौर के ऊपर जो एक्वेरियम्स होते हैं उनको किस तरह से जो है सजाया जाए, उसके अंदर किस तरह की जो है वो रेत इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ अकसाम की, साथ ही साथ उसके अंदर फूल फिल्टर और दीगर चीज़ें जो लगाई जाती हैं उनके ऊपर भी जो है आवाम का खासा रुझान देखने में आ रहा है। जी साकिब ये बताइएगा, जैसा कि आपने जिक्र किया शाहीन उकाब कॉकटेल ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, आवाम से आपकी बात हुई, ये परिंदे क्या मुनासिब कीमतों में वहाँ बासानी मिल रहे हैं उन्हें? देखिए बिल्कुल लोगों से जो हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ये वो इन परिंदों को जो है वो पालते हैं, बच्चे लेकर आते हैं बैरून मुल्क से, बच्चे लेकर आते हैं और साथ ही साथ जो है अंदरून सिंध से जो है वो छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं, उनको पालते हैं, उनकी नस्ल अफजाइश करते हैं, उसके बाद जो है उनको बतौर कारोबार इस्तेमाल करने के लिए वो मार्केटों के अंदर ला करके उनको फ़रोख करते हैं। इस हवाले से जो है एक कहा जाए कि परिंदों की खरीदो फरोख जो है वो एक बेहतरीन पेशा जो है वो अख्तियार करती जा रही है कारोबारी एतबार से। साथ ही साथ जो है कुछ शौकीन अफराद ऐसे होते हैं जिनको शौक़ होता है कि वो अपने घरों के अंदर जो है वो परिंदे और मुख्तलिफ अकसाम के जो है वो जानवर पालें, तो इस हवाले से वो भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि उनका ये शौक़ है, वो इन परिंदों को खरीदते हैं, उनको पालते हैं जब उनका दिल भर जाता है और फिर वो इन परिंदों को जो है वो तब्दील करते हैं और मुख्तलिफ अकसाम के परिंदे वक्तन फवक्तन जो है वो तब्दील करके उनको पालते रहते हैं। इस तरह से लोगों का ये कहना है कि घर के अंदर इन परिंदों से जो है वो रौनक भी रहती है, साथ ही साथ जो घर के बच्चे हैं उनका भी जो है परिंदों के साथ दिल लगा रहता है। इसके अलावा यही सेम हाल जो है वो मछलियों के साथ देखने में आती है, मछलियों के जो शौकीन है वो भी यही कहते हैं कि इन चीज़ों से जो है घर के अंदर खासी रौनक रहती है, बच्चों का दिल लगा रहता है और घर के अंदर जो है एक खूबसूरत सा जो है घर का माहौल नजर आता है इन तमाम तर परिंदों और मछलियों के बाइस। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया साकिब। तारीख ना बदल सकी, सूरमाओं ने बासानी शाहीनों के पर काट दिए। वर्ल्ड टी20 के अहम मार्के में